सुमन सिंह झाला पे जो मेरे पास अभी लिस्ट है लगभग 2 दर्जन एफआईआर उनके ऊपर पेंडिंग है, और मेरे ध्यान में यह है कि लगभग उसमें से 15 से 20 एफआईआर अभी भी अनुसंधानधीन है। और मैं आशा करता हूं कि पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी उसके अंदर करेगा। मेरी लड़ाई उन ग्रामीणों के लिए, उन आदिवासियों के लिए और उन राजपूतों के लिए थी जिनकी जमीनें उन्होंने हड़पी है, तो वहां पे मैं ये चाहता हूं कि मेरी तो जमीन का सीमा ज्ञान हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरह इन्होंने राजनीतिक संरक्षण के अंदर मेरी जमीन के अंदर कब्जा किया। तो जिन ग्रामीणों को इन्होंने परेशान किया, जिन गांव वालों का पानी पी गए, जिनके कुएं सूख चुके हैं, तो जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि माननीय मुख्य न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों की शब्द ब शब्द पालना होनी चाहिए। ये जो एनीकट है ये राया गांव से होता हुआ, बीच में जितने भी गांव आते हैं, राया मटाटा, उसके आगे आप देलवाड़ा तक चले जाइए और उसके बाद मावली का जो तालाब है गांसा का तालाब, उसका मुख्य जल का स्रोत ये है। इसमें धर्मनारायण जी जोशी वहां के विधायक, ग्रामीणों ने, सरपंच ने, उपसरपंच ने कई चिट्ठियां लिखी और उस पे जांच बैठी और उसमें ये पाया गया, जल संसाधन विभाग ने ये स्पष्ट किया कि इस एनीकट की ऊंचाई बढ़ने से गांसा के तालाब पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। जो ये एनीकट है उसको 1.5 मीटर उसकी हाइट बढ़ा दी गई थी एनजीटी के और अब्दुल रहमानो के निर्णय के विपरीत। उसके अंदर एनजीटी में मैं गया, उसमें आदेश लेके आया हूं कि जल संसाधन विभाग को जो 1947 की स्थिति थी उसको बहाल करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस एनीकट की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिसने एनओसी जारी करी वो और कोई नहीं, लक्ष्मण सिंह झाला की वाइफ हंस कुमार झाला, जो वहां की जिला पंचायत समिति की सदस्य है, उसने जारी करी, वो भी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के नाम पे। यही सोचने की बात है कि जिला परिषद सदस्य कलेक्टर को कैसे लिख सकता है कि इस एनीकट की हाइट बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे ग्रामीणों का भला हो जाएगा, और ये अनुमति एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दी जाए उनकी सीएसआर एक्टिविटी के तहत। उनको कोई अनुमति नहीं मिली, किसी भी प्रकार की नहीं मिली। ग्राम पंचायत ने बहुत बार लिख के दे दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे द्वारा इस पे कोई अनुमति नहीं दी गई है और ये जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हुई है इनको तोड़ा जाए और उस नाले का स्वरूप 1947 की स्थिति में बहाल किया जाए। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला राजस्व का है सामने आया है। शुद्धि पत्र के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया, जिसके अंदर एक कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी के नाम पे जमीनें ट्रांसफर की गई सिर्फ अरबों रुपए के लोन लेने के लिए। उसके बाद उन शुद्धि पत्रों को गायब कर दिया गया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोन जो अरबों रुपए की इनकी पेरेंट कंपनी ने एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लिए हैं उसके लिए इन शुद्धि पत्रों का प्रयोग किया गया। और सिर्फ ये जमीनें नहीं है, उसके अंदर लगभग 200 पेज की लिस्ट है सिर्फ जमीनों के नाम पूरे राजस्थान में। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, उनके ऊपर 2200 करोड़ का लोन लिया गया, ये कैसे हुआ? और शुद्धि पत्र जो करे गए हैं बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए, ये तो वहां पे जो तत्कालीन तहसीलदार थे ये उनकी जवाबदेही थी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्रों के माध्यम से ये चोरी की गई। और दूसरी बात ये कि इन शुद्धि पत्रों को फिर क्यों नामांतरण के अंदर, म्यूटेशन के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर, टूरिज्म की एनओसी के अंदर इन सबको क्यों छुपाया गया? उस रिसोर्ट के अंदर जो अभी अतिक्रमित कलेक्टर साहब और पूरे राजस्व की टीम, सेटलमेंट की टीम, राजसमंद राजस्व की टीम ने ये प्रमाणित कर दिया और हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट दी है कि लगभग 30 से 40 हजार फीट जमीन जिन पे इनका रिसेप्शन, इनकी पार्किंग, इनकी रोड और वो पुल बना हुआ है, उस पुल का कुछ हिस्सा भी हमारी जमीन के अंदर बना हुआ है। आप मेरे पे 20 दिन में 2 बार हमले होते हैं, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ये हमला फिर हो सकता है और मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरीके का कृत्य मेरे साथ फिर ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे किस तरीके से इन असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे मेरे निवेदन पे आए हैं। जैसा कि मैंने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ में आपको ये बताया है कि ये कोई लड़ाई मेरी जमीन की नहीं है,
ये लड़ाई है वहां पे जो बना हुआ रिसोर्ट आईटीसी मेमेंटोस और उनके मालिक विजेंद्र चौधरी द्वारा जो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज की गई है, अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्रियां, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए गए। पिछले 20 दिनों के अंदर मेरे पर दो जानलेवा हमले किए गए, एक हमारी मार्बल मंडी के अंदर मुख्य सड़क पे और दूसरा पुलिस प्रशासन के सामने मौके पे, जिसके अंदर पुलिस अगर बीच बचाव नहीं करती तो मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता था। पिछले कुछ समय से ये भ्रामक तथ्य और ये फैलाए जा रहे हैं कि ये गरीबों की, आदिवासियों की, राजपूतों की जमीन हड़पने के लिए कपिल सुराना ये सब कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य दिखाए हैं, ये जमीनें, सैकड़ों बीघा जमीन इस रिसोर्ट मालिक ने लक्ष्मण सिंह जाला के द्वारा इन गरीबों को, राजपूतों को, आदिवासियों को, डांगियों को डरा धमका के अपने खाते कर लिए। और सबसे बड़ी बात यह, आज की तारीख में भी लगभग 450 बीघा जमीन के अंदर रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला की भागीदारी दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा मौजूद है, जिसके अंदर 1/4 लक्ष्मण सिंह पार्टनर है और 3/4 रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी पार्टनर है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन, ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, इसने वहां पे आवासीय कन्वर्ट करवा के कुछ प्लॉट्स खरीदे थे और इसके अंदर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर रिसोर्ट का निर्माण किया गया, उसमें सड़कें, पार्क और कई बैंक्वेट हॉल्स ये बनाए गए। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है तो 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर, ये सार्वजनिक उपयोग की जमीन के ऊपर रिसोर्ट मालिक द्वारा ये कब्जा साबित होगा। एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक राजपूत समाज के भाई के भाई को, जिसने कल रात को 10 बजे मुझे फोन किया और उसने दस्तावेजी साक्ष्य मुझे दिए कि किस तरह 6 साल पहले बंदूक की नोक पे उसको मार के, झगड़ के, लड़ के उसके साथ रजिस्ट्री करवाई की, उसकी 40 बीघा जमीन हड़प ली गई और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको वो जमीन बेचनी पड़ी। और मैं उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो आज हम सब के बीच में यहां पे मौजूद है। आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार लक्ष्मण सिंह जाला के ऊपर पुलिस या प्रशासन कोई गिरफ्त करता है और वो सामाजिक दृष्टिकोण बीच में ले आता है, और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि राजपूत समाज, जैन समाज, डांगी समाज या गमेती समाज इतना सशक्त या इतना कमजोर है कि किसी अपराधी के कहने पे किसी सही आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप मुझे बताओ कि कलेक्ट्री पे धरना देने की बात थी, पुलिस पे धरना देने की बात थी, कितने राजपूत समाज के मौतबीर लोग मौजूद थे? वो नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कपिल सुराना सही है। और उसका प्रमाण यह है कि पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास अनगिनत फोन राजपूत समाज के आए, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप सही हो और जरूरत पड़ने पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे।